हेलो, वेलकम टू न्यू क्रिटिकल ब्लॉग्स। तो आज ये वीडियो थोड़ी हटके है क्योंकि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, वेरी इजीली हरा दिया। मुझे कहीं पे कुछ भी नहीं लगा भाई कुछ इंडिया प्रेशर भी डाल पाया। तो इंडिया की बॉलिंग इतनी वीक क्यों हो गई है? कुछ है ही नहीं इंडिया के पास भाई, वो अपनी बॉलिंग को या अपनी बैटिंग, बट बैटिंग तो चलो ठीक है, बॉलिंग में क्या हो गया? बिल्कुल ही वीक हो गई है। आपने हर्षदीप को नहीं खिलाया, उस लड़के को क्यों नहीं खिलाया? उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी एशिया कप में, कम से कम उसको चांस तो दो। भुवनेश्वर भाई साहब 19 ओवर में कितने कितने रन खा जाते हैं, और ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। ना स्पीड है उनके पास, ना कुछ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आके ही इंडिया को हरा दिया, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? हम टिकट खरीद के लोग पैसे दे के मैच देखने जाते हैं, ये देखने के लिए कि भाई दूसरा देश हमारे देश में आके हमको ही घुस के मार के चला जाए। मैं क्या बोलूं, आज तक वाले जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं सब बोल चुके हैं, पर मेरा कुछ दिल हुआ बोलने का। तो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके अगले साल 50-50 वर्ल्ड कप है, तो ये तैयारी है हमारी। क्या क्या होगा क्या टीम इंडिया का अगर इस हिसाब से खेलेंगे? तो क्या होगा क्या, वर्ल्ड कप तो नहीं आता ऐसे। कम से कम बॉलिंग में तो स्ट्रोंग होना पड़ेगा हमको। अगर हम बॉलिंग में स्ट्रोंग होंगे तो ही हम जीत पाएंगे, अगर बॉलिंग में हम वीक है तो हम मैच नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए लास्ट में यही कहूंगा बॉलिंग पे, सेलेक्टर्स को यही कहूंगा बॉलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कम से कम ऐसे लड़के जो बैठे हैं उनको चांस दीजिए। भुवनेश्वर से तो अच्छा ही करेंगे वो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं अगले मैच में क्या बनता है, फिर उसके बाद बताते हैं आपको।